नमस्कार दोस्तों, आज हम ADIS की केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का पेपर को सॉल्व करते हैं जो 22 और 23 दिसंबर को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमोंग फॉलोइंग सिचुएशन विच इज ऑन साइड इमरजेंसी। ऑप्शन ए है फायर इन मिथेन स्टोरेज टैंक इनसाइड कंपनी प्रेमिसेस। ऑप्शन बी है स्पिलेज ऑफ केमिकल फ्रॉम बैरल आउटसाइड कंपनी प्रेमिसेस। ऑप्शन सी है फायर इन टैंकर नियर बाई कंपनी प्रेमिसेस। ऑप्शन डी है सडन लीकेज ऑफ फ्लेमेबल केमिकल फ्रॉम टैंकर 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम कंपनी प्रेमिसेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फायर इन मिथेन स्टोरेज टैंक इनसाइड कंपनी प्रेमिसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर हाउ मनी टाइम्स द इमरजेंसी सायरन इन कंपनी इज ऑपरेटेड फॉर डिक्लेयरिंग ऑन साइड इमरजेंसी इन कंपनी। ऑप्शन है 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 1 टाइम लॉन्ग सायरन। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 टाइम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी मिनिमम नंबर ऑफ असेंबली पॉइंट आर रिक्वायर्ड टू बी देयर इन केमिकल कंपनी। ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केमिकल फैक्ट्री अंडर विच सेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ऑन साइड इमरजेंसी प्लान इज मैंडेटरी। ऑप्शन ए है सेक्शन 41E, ऑप्शन बी है सेक्शन 41B, ऑप्शन सी है सेक्शन 41C, ऑप्शन डी है सेक्शन 41D। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 41B। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who declares all clear as on-site emergency is over? Option A है sideman controller, option B है incident controller, option C है safety officer, option D है fire team in charge। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, sideman controller। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Whose responsibility to conduct head count of employees at assembly point gathered during emergency? Option A sideman controller, इंसिडेंट कंट्रोलर, सेफ्टी ऑफिसर, एचआर एंड एडमिन ऑफिसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एचआर एंड एडमिन ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज डिपेंडेड ऑन आयरन इन गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस। ऑप्शन ए है निकल, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है टीन, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कोरोजन स्टार्ट्स विद स्मॉल पिट एंड व्हेन डेवलप्स फर्दर ऑन सरफेस ऑफ मेटल। ऑप्शन ए है पिटिंग कोरोजन, ऑप्शन बी है क्रेविस कोरोजन, ऑप्शन सी है स्ट्रेस कोरोजन, ऑप्शन डी है इंटरग्रानुलर कोरोजन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पिटिंग कोरोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट टाइप ऑफ कोरोजन अमोंग ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शन ए है टैंक कोरोजन, ऑप्शन बी है क्रेविस कोरोजन, ऑप्शन सी है इंटरग्रानुलर कोरोजन, ऑप्शन डी है इरोजन कोरोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, टैंक कोरोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज फर्स्ट लेयर इन लोपा। ऑप्शन ए है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ऑप्शन बी है बेसिक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन सी है इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी है प्रोसेस डिजाइन। तो लोपा की फर्स्ट लेयर है प्रोसेस डिजाइन, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हीरा। ऑप्शन ए है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एडिशन, ऑप्शन बी है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, ऑप्शन सी है हजार्ड इंटेंसिटी एंड रिकवरी एक्शन, ऑप्शन डी है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन एक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग यूनिट ऑपरेशन हैज हाई स्पीड ऑफ इक्विपमेंट रोटेशन, हाई RPM एज मेजर हजार्ड्स। ऑप्शन ए है अब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी है एडसॉर्प्शन, ऑप्शन सी है हीट एक्सचेंजर, ऑप्शन डी है सेंट्रीफ्यूगेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज JSA। ऑप्शन ए है जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ऑप्शन बी है जॉब सिक्योरिटी एनालिसिस, ऑप्शन सी है जॉब सिक्योर एनालिसिस, ऑप्शन डी है जॉब सिस्टम एनालिसिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ये आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन विच ऑफ फॉलोइंग रिस्क इज डिपेंडेंट। ऑप्शन ए है प्रोबेबिलिटी एंड सिवरिटी, ऑप्शन बी है प्रोबेबिलिटी एंड हजार्ड्स,
ऑप्शन सी है हजार्ड एंड सेवरिटी, ऑप्शन डी है प्रोबेबिलिटी एंड हजार्ड इंडिसेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोबेबिलिटी एंड सेवरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सील्ड, ऑप्शन ए है सेफ्टी इंटरनल लेवल, ऑप्शन बी है सेफ्टी इंटरनेशनल लेवल, ऑप्शन सी है सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल, ऑप्शन डी है सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेशन लेवल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज MSDS, ऑप्शन ए है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, ऑप्शन बी है मटेरियल स्टोरेज डाटा शीट, ऑप्शन सी है मटेरियल स्टोरेज डाटा फॉर सेफ्टी, ऑप्शन डी है मटेरियल सेफ्टी डिस्पोजल शीट। इस क्वेश्चन का सही आंसर भी आपको पता है ऑप्शन ए, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट वर्क इज नॉट अलाउड इन विच ऑफ फॉलोइंग जोन्स, ऑप्शन ए है जोन जीरो, ऑप्शन बी है जोन वन, ऑप्शन सी है जोन थ्री, ऑप्शन डी है जोन टू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है जोन जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हैजकैम कोड 2PE व्हाट डज ई स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए है इवैक्यूएशन फॉर नियर बाई पीपल, ऑप्शन बी है इमरजेंसी ऑफ व्हीकल, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक फायर, ऑप्शन डी है एक्सप्लोसिव केमिकल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इवैक्यूएशन फॉर नियर बाई पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सेक्शन ऑफ MSDS हैज फर्स्ट एड मेजर्स, ऑप्शन ए है सेक्शन थ्री, ऑप्शन बी है सेक्शन फोर, ऑप्शन सी है सेक्शन फाइव, ऑप्शन डी है सेक्शन सिक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन फोर। MSDS के सेक्शन फोर में फर्स्ट एड मेजर्स दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हैजकैम कोड यूज फॉर, ऑप्शन ए है आइडेंटिफाइंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस, ऑप्शन बी है क्लासिफाइंग हजार्डियस सब्सटेंस फॉर ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी है डिजाइनिंग सेफ्टी साइनेज इन वर्कप्लेस, ऑप्शन डी है कैटेगराइजेशन केमिकल बेस्ड ऑन देयर कलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लासिफाइंग हजार्डियस सब्सटेंस फॉर ट्रांसपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हाउ मनी साइड ऑफ टैंकर कैरिंग हजार्डियस केमिकल शुड हैव EIP डिस्प्लेड, ऑप्शन ए है टू साइड, ऑप्शन बी है थ्री साइड, ऑप्शन सी है फोर साइड, ऑप्शन डी है फ्रंट साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, थ्री साइड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी सेक्शन आर देयर इन मॉडर्न मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स, ऑप्शन ए है 14 सेक्शन, ऑप्शन बी है 9 सेक्शन, ऑप्शन सी है 8 सेक्शन, ऑप्शन डी है 16 सेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही है ऑप्शन डी, 16 सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग हजार्डियस केमिकल आर क्लास ए एज UN क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डियस केमिकल्स, ऑप्शन ए है एक्सप्लोसिव केमिकल्स, ऑप्शन बी है ऑक्सीडाइजिंग केमिकल्स, ऑप्शन सी है कोरोसिव केमिकल्स, ऑप्शन डी है रेडियो एक्टिव केमिकल्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हजार्डियस केमिकल क्लास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ऑप्शन ए है क्लास वन, ऑप्शन बी है क्लास फाइव, ऑप्शन सी है क्लास फोर, ऑप्शन डी है क्लास टू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लास फाइव। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रैम कार्ड, ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड, ऑप्शन बी है ट्रैफिक इमरजेंसी कार्ड, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्टेशन इवैक्यूएशन कार्ड, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट टैंकर इमरजेंसी कार्ड। इसका सही आंसर है ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मटेरियल्स कम अंडर विच क्लास ऑफ फायर, ऑप्शन ए है क्लास बी, ऑप्शन बी है क्लास सी, ऑप्शन सी है क्लास डी, ऑप्शन डी है क्लास ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही है ऑप्शन सी, क्लास डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास फायर, ऑप्शन ए है वुड, ऑप्शन बी है ऑयल, ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है केमिकल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वुड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास फायर, ऑप्शन ए है कोल, ऑप्शन बी है वुड, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है पेपर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बी क्लास फायर, ऑप्शन ए है फ्लेमेबल लिक्विड, ऑप्शन बी है कंबस्टेबल मटेरियल्स,
ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोडेड सर्किट्स, ऑप्शन डी है कोल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लेमेबल लिक्विड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी क्लासिफायर, ऑप्शन ए है कुकिंग ऑयल, ऑप्शन बी है फ्लेमेबल लिक्विड, ऑप्शन सी है पेंट, ऑप्शन डी है कोल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर, ऑप्शन ए है स्टारवेशन, ऑप्शन बी है स्मूदरिंग, ऑप्शन सी है कूलिंग, ऑप्शन डी है डार्कनिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डार्कनिंग। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कलर कोड फॉर पाइपलाइन कैरियिंग रॉ वाटर इन केमिकल इंडस्ट्री, ऑप्शन ए है कैरी येलो, ऑप्शन बी है सी ग्रीन, ऑप्शन सी है ब्लू, ऑप्शन डी है डार्क वायलेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ब्लू। तो इस पेपर के बचे हुए क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि मैं उसका भी वीडियो बना सकूं। इस पेपर में आपको कितने नंबर आ रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।